आत्मा को हमारे शास्त्रों में त्रिकालदर्शी माना गया है। आत्मा का ना कोई आरंभ है और ना ही अंत, ये शाश्वत है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जो पहचान लेता है उसे ही आत्मज्ञानी माना जाता है, और सभी तरह की विद्याओं में आत्मज्ञान का स्थान सबसे ऊंचा है। हम अक्सर सुनते हैं कि हिमालय के सिद्ध योगियों को भूत और भविष्य की सभी घटनाओं का पहले से ज्ञान होता है, वो असल में आत्मज्ञान के चलते ही होता है। वैसे भविष्य की सीमित बातें कुछ यंत्रों के द्वारा भी पता की जा सकती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी विलक्षण घटती हैं जो विज्ञान की समझ से परे होती हैं, जिन्हें देखकर ये मानना ही पड़ता है कि भौतिक मन से भी बहुत प्रचंड क्षमता वाली कोई शक्ति मनुष्य के भीतर जरूर है, और वो शक्ति अतीत की ही नहीं बल्कि भविष्य की भी अनेक बातें काफी पहले ही जान जाती है। ऐसा क्यों होता है इसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे, लेकिन पहले एक घटना का उल्लेख बहुत जरूरी है। स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर में जुलाई 1940 की बात है। हैंस क्रेजर नाम का एक व्यक्ति अपनी चौथी मंजिल वाले कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसकी दृष्टि सामने वाले मकान की समानांतर मंजिल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में एक लड़की बैठी हुई थी और वो एक पुस्तक पढ़ रही थी। क्रेजर काफी समय तक उस लड़की को निहारता रहा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति उस लड़की के कमरे में प्रवेश करता है। उस व्यक्ति ने एक लंबा खुला हुआ चाकू अपने साथ रखा हुआ था और वो बहुत ही भयंकर दिख रहा था। उसने आव देखा ना ताव और अचानक उस लंबे छुरे से उस लड़की के पेट में कई वार कर दिए। अचानक हुए इन हमलों से वो लड़की कुछ समझ नहीं सकी और फिर नीचे गिर गई। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि क्रेजर को कुछ समझ ही नहीं आया, वो उसकी सहायता के लिए भी नहीं पहुंच सका। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। होश संभालने के बाद क्रेजर शीघ्रता से नीचे उतरा और सामने वाले घर में जाकर मकान मालिक को पूरी घटना एक ही सांस में सुना दी। लेकिन इतनी गंभीर घटना को सुनकर भी मकान मालिक हंसने लगा। क्रेजर बोला, आप हंस रहे हैं जबकि आप ही के घर में चौथी मंजिल पर एक लड़की का खून हो गया है। लेकिन ये बात सुनकर मकान मालिक बोला, क्या सच में आपने हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा है? क्रेजर ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। लेकिन फिर मकान मालिक ने कहा कि हमारे मकान के चौथे फ्लोर पर कोई रहता ही नहीं है, वो माला तो बिल्कुल खाली पड़ा है। लेकिन क्रेजर को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को उसने उस लड़की का और उस हत्यारे का पूरा ब्यौरा दे दिया। लेकिन जब पुलिस चौथी मंजिल पर गई तो वहां न कोई आदमी था और न ही कोई लाश। लेकिन क्रेजर ये मानने को तैयार नहीं था। उसे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास था, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। इसीलिए लोगों ने उसे पागल समझकर पागल खाने में भर्ती करा दिया। लेकिन एक सप्ताह के बाद एक विचित्र घटना घटी। एक सप्ताह के बाद एक महिला और एक पुरुष उसी मकान मालिक के पास किराए का मकान लेने के लिए पहुंच गए। उस महिला का हुलिया ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि क्रेजर ने बताया था। मकान मालिक ने एक पल तो उसे मकान ना देने की सोची, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर चौथी मंजिल वाला कमरा उन्हें दे दिया। हालांकि मकान मालिक के मन में क्रेजर की कही बात घूम रही थी, लेकिन उस पर विश्वास करना उसके लिए थोड़ा कठिन था। लेकिन 3 महीनों के बाद एक विचित्र घटना घटी। ऊपर के किराएदार एक दोपहर को नीचे भागते हुए आई और उसने बताया कि चौथी मंजिल वाले उस कमरे से एक महिला के जोरदार चीखने की आवाजें आ रही हैं। पुलिस बुलाई गई और सब लोग ऊपर पहुंचे और सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि हत्या की जो परिस्थितियां क्रेजर ने 3 महीने पहले बताई थी, ठीक उसी अवस्था में उस लड़की की हत्या की गई थी। हत्यारे ने स्वीकार किया
उसने ईर्ष्या के चलते ये हत्या की है। इस घटना से पूरा इलाका अचरज से भर गया था। बाद में डॉक्टरों की एक समिति ने क्रेजर को पागल खाने से छुड़वाया, जिससे उसके भविष्य दर्शन की क्षमता का अध्ययन किया जा सके, क्योंकि 3 महीने बाद घटने वाली घटना का हूबहू चित्रण कोई कर सकता है? ये सवाल सभी को परेशान किए हुए था। हालांकि विज्ञान इस संबंध में कोई निश्चित निराकरण प्रस्तुत नहीं कर सकता था, लेकिन ये घटना मात्र एक संयोग थी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, किन्हीं विशिष्ट अवस्थाओं में क्रेजर को वो दिखाई पड़ गया जो भविष्य में घटने वाला था। क्रेजर कोई आत्मज्ञानी नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य ही था। लेकिन सिद्ध ऋषि हमेशा इस अवस्था में होते हैं जहां सभी दृश्य और अदृश्य घटनाएं उनके आंखों के सामने ही अवस्थित होती हैं। ऐसी घटनाएं कई बार हमारे सामने आती हैं। कई बार लोग सपने में वो देख लेते हैं जो भविष्य में घटने वाला होता है, लेकिन ये सब संयोगिक क्रियाएं हैं। कोई घटना कभी कभार किसी को घटने से पहले ही दिखाई दे जाती है, लेकिन ये अनुभूतियां सदा के लिए नहीं होती। इन्हीं अनुभूतियों को हमेशा के लिए संजो लेना ही आत्मज्ञान है। कहा जाता है कि आत्मज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है कि हर घटना का अगला और पिछला छोर उसे दिखाई दे जाता है। इसलिए वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन साधारण जनता न तो आत्मज्ञानी है और न ही अच्छी याददाश्त वाली। हम तो किसी का बुरा करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ वही घटित होता है तब हम अपनी क्रियाएं भूल जाते हैं। लेकिन अस्तित्व कुछ भी नहीं भूलता, वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। यहाँ का हिसाब सीधा और अचूक है। जो दिया है वही प्रतिध्वनित हो जाता है और अनंत गुना होकर लौटता है। लेकिन हम इसके कारण और प्रभाव नहीं देख पाते और इसीलिए हम दुखी होते रहते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्य सब कुछ देख लेता है और इसीलिए वो निश्चिंत रहता है। सृष्टि के नियम असल में बेहद सूक्ष्म होते हैं। भारत के योगियों के नियमों को समझने में मास्टरी रही है, इसीलिए भारत की आध्यात्मिक विरासत को आज तक कोई मिटा नहीं पाया। आज का विज्ञान फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वह इन सूक्ष्म नियमों को प्रतिपादित कर पाए, लेकिन विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी भाषा वैसी ही होती जाएगी जैसे हमारे योगियों की होती है। आत्मज्ञान विज्ञान से बढ़कर इसीलिए है क्योंकि आत्मज्ञानी तो वैसे ही वैज्ञानिक हो जाता है, लेकिन कोई वैज्ञानिक आत्मा को जान पाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।